सो जूलियन असान इज नोन एज रॉबिन हुड हुड ऑफ हैकिंग हैकिंग इज इज नोन एज अ रॉबिन इन 1971 हुआ तो उन्होंने अमेरिका के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए थे 2007 में यूएस हेलीकॉप्टर ने इराक पे अटैक किया था इसमें बहुत सारे सिविलियंस मरे थे इराक में उसको उन्होंने वीडियोस दिखा दी थी कि जर्नलिस्ट को उन्होंने मारा था तो वॉज अ फाउंडर ऑफ जूलियन असान द फाउंडर ऑफ विकी लीग्स फाउंडर ऑफ विकिलिक्स दट पोज सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन इन पब्लिक डोमे इज द फाउंडर ऑफ विकिलिक्स दट पो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स एंड इफॉर्मेशन इन पब्लिक डोमेन उन्होंने बोला जूलियन असान दैट इफ जर्नलिज्म इज गुड इट इज़ कॉन्ट्रोवर्शियल राइट्स नेचर इफ जर्नलिज्म इज गुड इट इज़ कॉन्ट्रोवर्शियल राइट्स नेचर एवरी ऑर्गनाइजेशन रेस्ट अपॉन अ माउंटेन ऑफ सीक्रेट तो एवरी ऑर्गनाइजेशन इज रेस्ट अपॉन माउंटेन ऑफ सीक्रेट बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं सीक्रेट्स के तो एवरी ऑर्गनाइजेशन रेस्ट अपॉन माउंटेन्स ऑफ सीरेटी ऑर्गनाइजेशन रेस्ट अपॉन माउंटेन ऑफ सीक्रेट्स सर बाई जूलियन असांज तो फेसबुक के बारे में जूलियन असांज ने बोला फेसबुक इज द मोस्ट अपेलिंग स्पाइंग मशीन दैट मैन हैज एवर इन्वेंटेड तो फेसबुक इज द मोस्ट अपेलिंग स्पाइंग मशीन दट मैन हैज एवर इन्वेंटेड सो ट्रू इन्फॉर्मेशन डज गुड आर टी आई तो ट्रू इन्फॉर्मेशन डज गुड सर बाई जूलियन असांज सो जुल असाइल द गोल इज जस्टिस और मेथड इज ट्रांसपरेंसी गोल क्या है जूलियन असांस का जस्टिस एंड किस मेथड से ट्रांसपेरेंसी मेथड इज ट्रांसपेरेंसी आई वुड बी हैप्पी टू एक्सेप्ट असाइलम पॉलिटिकल असाइलम इन इंडिया आई अ आई लव तो ये पॉलिटिकल असाइलम चाहते थे इंडिया में सो आई वु भी हैपेपी टू एक्सेप्ट अस आलम पॉलिटिकलम इंडिया ने दट आई लव